मन दर्शन धर्म मर्म सा पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर, देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार सूबे में छोटे उद्योगों के कर्ज पर देगी ब्याज अनुदान, महिला उद्यमियों को योजना में मिलेगी प्राथमिकता। राज्य के 94 ग्रिड सब स्टेशनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, ट्रांसमिशन की खराबी समय पर दुरुस्त करने के लिए लिया गया यह निर्णय। सूबे के 272 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करेगी राज्य सरकार, इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्तर प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने इंदिरा आवास को 90 दिनों में पूरा करने का दिया निर्देश, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 95 दिनों में पूरा करना होगा आवास। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम में आने वाले 31 देशों के सहभागियों को तोहफे में दिया जाएगा मिथिला पेंटिंग, इसके लिए उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान तैयार कर रहा है बैग। राजधानी पटना में शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 30 अस्पताल बनाए जाएंगे। ये अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर का होगा, जहां प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। राजधानी पटना में सीवरेज नेटवर्क को दुरुस्त कर नया ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, विश्व बैंक की मदद से इस योजना पर 513 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सूबे के विभिन्न विभागों में लगभग 11,000 नए पदों के सृजन को राज्य सरकार ने दी मंजूरी, इनकी बहाली प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। राज्य सरकार ने अवशिष्ट वनों के पुनर्वास पर 77 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति, इसके तहत वन विभाग की जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने दवाओं की खरीद केंद्र सरकार की उपक्रम PSU से करने का लिया निर्णय, PSU का चयन राज्य स्वास्थ्य समिति करेगी। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की प्रारंभिक स्तरीय शिक्षा को सबल बनाने के उद्देश्य से एक नई योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की गई है। ये योजना बालिका शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा सुविधा से वंचित बालिकाओं के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी न करने तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवासीय सुविधा मुहैया कराई जाती है। ये एक ऐसी पाठशाला है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई भी किशोरी अपनी तमाम परंपराओं और संस्कारों से युक्त होकर बाहर निकलती है। बिहार सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामक इस योजना के तहत राज्य के लगभग सभी प्रखंडों में आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। इसमें शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। कुछ प्रखंडों में विद्यालय अपनी सारी सुविधाओं और योजनाओं के साथ कार्यरत भी है। इनमें क्षेत्र के वंचित समाज की किशोरियां प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही अनेक प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण भी हासिल कर रही हैं। सर्वप्रथम राज्य के पश्चिम चंपारण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के द्वारा क्षेत्र में मौजूद अशिक्षा को देखते हुए एक विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम दिया गया था। वर्षों से उपेक्षित इस विद्यालय को मौजूदा सरकार के प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से एक नई दिशा मिल चुकी है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में प्रवेश करते ही नजर आती है उन्मुक्त भाव से खेलती कूदती पढ़ती ढेर सारी किशोरियां,
जिनकी आंखों में मौजूद चमक से उस गहरे आत्मविश्वास की स्पष्ट झलक नजर आती है जिसे विद्यालय की सुव्यवस्थित योजना ने इन मासूमों के अंदर जगाने का प्रयास किया है। यहाँ उन बच्चियों को शिक्षा दे रही हूँ जो बच्चियाँ मतलब पढ़ाई के क्षेत्र से या पढ़ाई के नाम बहुत तो बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि पढ़ाई के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। उनको मतलब ये लगता ही नहीं था पहले कि मुझे पढ़ना है, और उन बच्चियों को शिक्षा जब मैं देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम धर्म पर्दा प्रथा के कारण मेरी अधिकतर शिक्षा घर पर ही हुई। मेरे भैया भाभी को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते थे। मैं अपने भैया को जीत करने लगी तब मेरे भैया यहाँ लेकर मेरा नामांकन यहाँ करा दी। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मेरी शिक्षा पूरी हो रही है और साथ में मैं कराटे व्यायाम सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि सीख रही हूँ। विद्यालय में शाम 4 बजे तक पठन पाठन का कार्य सामूहिक रूप से चलता है, इसमें होमवर्क भी शामिल होता है। यहाँ शिक्षकों के अलावा बच्चियाँ भी एक दूसरे को भरपूर सहयोग करती हैं। स्कूल की छात्राओं को किताबी ज्ञान के अलावा क्षेत्रीय और मौजूदा संसाधनों पर आधारित अनेक प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ये विद्यालय की पुख्ता कार्य योजना का ही परिणाम है कि यहाँ पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियाँ अपने पहनने के वस्त्र खुद ही काट छाट कर सिलाई कर लेने में माहिर हो चुकी हैं। हम लोगों ने पंचायतों में और नगर निकायों में हम लोगों ने बच्चियों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। आज शिक्षा के चलते उनके काम में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम हर बेटी को कम से कम प्लस टू करा देंगे ताकि आगे जाने के बाद अगर कहीं उनको राजनीति में आने का मन होगा तो उनको कोई चला नहीं सकता, विचार उनको रोक नहीं सकता है, इसलिए उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। तो शिक्षा जगत में ये सब सारी बात है, वो साथ हम लोग देना शुरू किया है, खाना पीना दे ही रहे हैं, आज भवन बन रहे हैं, सारी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। वैसे हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है, जो बजट 2005 में 4,500 करोड़ का हुआ करता था आज हम लोग 41,000 करोड़ का बजट बनाया है 14-15 के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा धनराशि शिक्षा में ही हम लोग खर्च कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आधुनिकता और परंपरा के आदर्श सम्मिश्रण का प्रशिक्षण पा रही इस विद्यालय की बच्चियां भविष्य में न सिर्फ एक संपूर्ण भारतीय नारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होंगी बल्कि बिहारी मिट्टी की खुशबू को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने में सफल होंगी। बालिकाओं की भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प, लिंग अनुपात को बढ़ावा और कन्या के जन्म को प्रोत्साहन, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को कन्या के जन्म स्वरूप अनुदान राशि, ऐसे परिवारों को कन्या के जन्म के समय 2,000 रुपए प्रति कन्या की दर से यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश, यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश कर प्रमाण पत्र लाभुक माता पिता को, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो कठिन और जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं तथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर आदि से ग्रस्त हैं, उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला के सिविल सर्जन से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2,000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केसरिया का यह स्तूप। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। कहा जाता है कि परिनिर्वाण के पूर्व भगवान बुद्ध ने कुशीनगर जाते समय यहाँ पर कलमा सूत्र नामक धर्म संदेश दिया था। कुशीनगर प्रस्थान के समय जब अपने साथ आ रहे अन्य ग्रामवासियों को आने से मना किया गया था तब वे उदास हो गए थे। तभी उन्हें बहलाने के लिए भगवान ने अपना भिक्षा पात्र उनकी ओर उछाल दिया था। इसी याद में यहां पर यह स्तूप बनवाया गया। चीन के दोनों विख्यात यात्रियों फाहियान और वेनसांग ने भी यहां की यात्राएं की थी। बिहार विद्यु डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।